नमस्कार, मैं पार्थवराज, मैं आपको लेकर के आया हूँ काठमांडू मुख्य शहर के अंदर। यहाँ से काठमांडू मूल शहर की दूरी तो ऐसे 15 किलोमीटर है, लेकिन अभी हम लोग देखिए ये शहर में प्रवेश कर चुके हैं और ये नेपाल के काठमांडू का पूरा दृश्य है। ये नेपाल की राजधानी है जैसा कि आपको पता है। नेपाल की कुल आबादी लगभग 2.5 करोड़ है और नेपाल में कुल 7 प्रांत हैं। नेपाल के 7 प्रांतों में कुल 77 डिस्ट्रिक्ट हैं और नेपाल पूरी तरह से पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, या यूँ कहें कि पहाड़ की गोद में बसा हुआ है। नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और नेपाल पूरी तरह से पर्यटन पर आश्रित है। नेपाल की लगभग 67% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो चावल है। नेपाल के बारे में अगर पर्यटन स्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर पशुपतिनाथ मुख्य स्थान है हिंदुओं का। नेपाल में लगभग 82% जो है वो हिंदू रहते हैं, और चूंकि पहले ये हिंदू राष्ट्र ही था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये सेकुलर राष्ट्र हो गया। अभी हाल में ही नेपाल में का संविधान लागू हुआ है, लेकिन फिर से नेपाल में राजतंत्र की मांग हो रही है। नेपाल में वैसे नेट पर तो 67 रुपये पेट्रोल दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर नेपाली 115 के लगभग है, 156 के लगभग है। नेपाली 156 रुपये पेट्रोल है यहाँ पर। तो ये काठमांडू का पूरा इलाका है। वैसे नेपाल पूरी नदियाँ जो बिहार में जाती हैं, चाहे वो कोसी हो चाहे वो गंडक हो, ये सारी नेपाल से ही निकल करके जाती हैं। तो ये नेपाल का प्रवेश है। यहाँ से नेपाल के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थोड़ी शुरू हो रही हैं। वैसे नेपाल पूरी तरह से तो पहाड़ों पर ही है, तो क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है नेपाल का, लेकिन जनसंख्या यहाँ की बहुत कम है। लोग ज़्यादातर कृषि पर आधारित हैं, निर्भर हैं। और अगर नेपाल में बात करें तो नेपाल में एडवेंचर का काफ़ी स्कोप है। लोग यहाँ एडवेंचर करने के लिए, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाल बड़ी मात्रा में आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही।